हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सारपेन मैथ्स। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कंप्लीट कोर्स का फर्दर पार्ट डिस्कस करेंगे। जो ये मेरा लेक्चर है वो 20th नंबर लेक्चर है, जिसमें हम लोग स्क्वाज पीक लेमा के बारे में पढ़ेंगे। स्क्वाज पीक थ्योरम बोल सकते हैं आप, स्क्वाज पीक थ्योरम। जैसा कि प्रीवियस वीडियो मैंने जो अपलोड किया था वो स्क्वाज लीमा पे था, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है डेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये स्क्वाज पीक थ्योरम, जो स्क्वाज लीमा होता है और स्क्वाज पीक थ्योरम से मिक्स करके क्वेश्चन आते हैं सीएसआरएट में, पार्सी में क्वेश्चन पूछा जाता है, और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लोगों को कन्फ्यूजन होता है कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है। तो मैं इससे रिलेटेड सीएसआर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूँगा, और उसको कैसे रिलेट करना है, स्क्वायर पीक थ्योरम होता है क्या, उसको कैसे हम रिलेट कर रहे हैं, कैसे पहचान रहे हैं कि हाँ स्क्वायर पीक थ्योरम से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, स्क्वायर पीक लेमा कहाँ पे लगेगा, स्क्वायर लीमा कहाँ पे लग रहा है, कैसे लग रहा है, दोनों मिक्स करके जो क्वेश्चन आता है, तो उसको प्रॉपर डिस्कस करेंगे स्क्वायर पीक थ्योरम, और साथ में क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिससे आपको कि क्या होगा कि अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है सी एस आर नेट जून 2013 में पूछा गया है, पार्ट सी 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन है। इससे स्क्वाज पीक थ्योरम से जो क्वेश्चन आता है, स्क्वाज लीमा से जो क्वेश्चन आता है, पार्ट सी में ही सी एस आर नेट में पूछा जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा कैसे अटेम्प्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट डी बी कलेक्शन ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स कि डी जो है ओपन डिस्क है, ओपन यूनिट डिस्क है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, तो बोल रहा है कौन सा करेक्ट होगा। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है देयर एग्जिस्ट एक होलोमॉर्फिक फंक्शन एफ डी टू डी विद एफ जीरो इजकल टू जीरो एंड एफ डैश जीरो इजकल टू टू। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि एक ऐसा होलोमॉर्फिक फंक्शन एग्जिस्ट कर जाएगा, जो डी से एफ डी से डी में, यूनिट डिस्क से यूनिट डिस्क में, जो इसको और ये दोनों को सेटिस्फाई करेगा। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है देयर एग्जिस्ट ए होलोमॉर्फिक फंक्शन एफ डी टू डी विद एफ थ्री फोर इजकल टू 3/4 दिया हुआ है, एंड एफ डैश 2/3 इजकल टू एफ 3/4 दिया हुआ है। थर्ड ऑप्शन है देयर एग्जिस्ट ए होलोमॉर्फिक फंक्शन डी टू डी, एफ 3/4 का वैल्यू दिया हुआ है, एक एफ डैश 3/4 का वैल्यू दिया हुआ है। फोर्थ ऑप्शन सिमिलर है कि देयर एग्जिस्ट होलोमॉर्फिक फंक्शन डी टू डी, एफ 1/2 का वैल्यू दिया हुआ है, एफ डैश 1/4 का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखते हैं कुछ को कैसे अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि होलोमॉर्फिक फंक्शन ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। क्या कर रहा है, एफ जीरो इजकल टू जीरो होना चाहिए, एंड ये मैपिंग जो कहाँ से गिवन है, एफ डी टू डी में है। तो यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि एफ डैश जेड जो मॉडुलस होगा लेस देन 1 होगा, क्योंकि इसका कोडोमेन ओपन यूनिट डिस्क में है, तो ये ओपन यूनिट डिस्क में आएगा इसका रेंज भी, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये जब सेटिस्फाई कर रहा है तो आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए फास्टली कि ये एफ जीरो इजकल टू जीरो यानी जेड इजकल टू जीरो पे इसका ऑर्डर एक है, और मॉड ऑफ एफ जेड इज एस इक्वल 1 को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैंने जैसे प्रीवियस वीडियो बताया था स्क्वाज लीमा, उसमें यही था कि यूनिट डिस्क से कोई मैपिंग है, एनालिटिक है एफ कोई मैपिंग, और एफ जीरो इजकल टू जीरो, और इसको जेड इजकल टू जीरो पे इसका ऑर्डर जीरो का ऑर्डर जो है कि एम है, ऑर्डर एम है, तो क्या होगा, और इसको सेटिस्फाई कर रहा है साथ में, तो ये क्या होगा, एफ डैश जेड लेस इक्वल मॉड जेड होगा, और एफ डैश जीरो लेस इक्वल एम फैक्टोरियल होगा, ये बताया था। तो ये इस पे अप्लाई कर सकते हैं, अगर ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है, एफ जीरो इजकल टू जीरो गिवेन है और मॉड एफ जेड लेस इक्वल 1 है ही, तो एफ डैश जीरो का यहाँ स्क्वाज लीमा से क्या होगा भाई, स्क्वाज लीमा से एफ डैश जीरो का वैल्यू लेस इक्वल क्या होना चाहिए, जीरो का जो ऑर्डर है, यहाँ से देख सकते हैं कि हम लोग जीरो का ऑर्डर इस एग्जिस्ट अगर कर रहा है तो जीरो का ऑर्डर कितना है, जीरो पे जेड इजकल टू जीरो पे 1 है, तो एफ डैश जीरो का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, तो एफ डैश जीरो लेस इक्वल 1। अब बताइए इसका वैल्यू अगर 2 है तो 2 लेस इक्वल 1 होता है, नहीं होता है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्क्वाज लीमा से ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ये सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है देयर एग्जिस्ट होलोमॉर्फिक फंक्शन डी टू डी, एफ 3/4 इतना है और एफ डैश 2/3 इज इक्वल टू 3/4 है, तो
उसके बाद एक और है कि देयर एग्जिस्ट ए होलोमॉर्फिक थर्ड ऑप्शन में जो 3/4 पे ही फंक्शन का वैल्यू और 3/4 पे ही डेरिवेटिव का वैल्यू -3/4 बोला है। तो एक चीज यहाँ पे जब ये गिवन हो, होलोमॉर्फिक फंक्शन है, सिर्फ होलोमॉर्फिक गिवन हो और ये f'z का वैल्यू निकालना हो, तो एक स्क्वाज पिक थ्योरम होता है। स्क्वाज पिक थ्योरम में आपका f0 पे वैल्यू ये नहीं दिया हुआ रहता है, जरूरी नहीं है कि f'z लेस इक्वल होना हो, ये सब चीज नहीं दिया हुआ था। जैसे कि यहाँ पे इसके लिए f0 0 पे जेड इजकल टू जीरो पे जीरो नहीं गिवेन है, तो यहाँ पे स्क्वाज लीमा लगेगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो स्क्वाज पिक थ्योरम यहाँ पे अप्लाई आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रॉपरली, मैंने यहाँ पे लिखा है कि स्क्वाज पिक थ्योरम होता क्या है। तो स्क्वाज पिक थ्योरम आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्क्वाज पिक थ्योरम प्रॉपरली मैंने लिखा है कि FZ इज एनालिटिक इन ओपन यूनिट डिस्क। इसके लिए स्क्वायर पिक थ्योरम अप्लाई करने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए कि FZ जो होना चाहिए एनालिटिक ओपन यूनिट डिस्क में होना चाहिए, मॉड Z लेस देन 1 है, ठीक है। तब क्या सेटिस्फाई करेगा, FZ लेस इक्वल दिस सेटिस्फाई करेगा, मॉड ऑफ F0। F0 पे अगर वैल्यू दिया हुआ रहे तो F0 ले प्लस मॉड Z 1 प्लस मॉड ऑफ F0 मॉड Z, ठीक है। दूसरा जिसको जिसको हम इस थर्ड ऑप्शन में यूज करेंगे, थर्ड ऑप्शन जो है f'3/4 का वैल्यू बता रहा है, तो f'z का वैल्यू स्क्वायर पिक लेमा से ये अप्लाई कर सकते हैं। f'z मॉडुलस क्या होता है स्क्वायर पिक थ्योरम से, 1 माइनस मॉड ऑफ f'z का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस मॉड z का होल स्क्वायर, ये अप्लाई हो सकता है स्क्वायर पिक थ्योरम जब ये सिर्फ एनालिटिक हो ओपन यूनिट डिस्क में, उसके अलावा और कोई कंडीशन जरूरी नहीं है। तो ये अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान में रखिएगा, f'z निकालेंगे उससे हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं कि ये सही है कि गलत है। तो जैसे अब थर्ड ऑप्शन इसको अप्लाई किया जा सकता है थर्ड ऑप्शन में ये, तो देखिए एनालिटिक ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि नहीं चेक कर सकते हैं। अगर f3/4 है तो f'3/4 का वैल्यू इतना आएगा, देखिए f'3/4, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगा, लेस इक्वल 1 माइनस f3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर होगा बाय स्क्वाज पिक थ्योरम, ठीक है। तो देखिए लेस इक्वल 1 माइनस f3/4 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -3/4 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, -3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1/3/4 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। देख सकते हैं कि f'3/4 का वैल्यू क्या आ रहा है, मॉडुलस लेस इक्वल 1, ये 1 होगा तो ये आ रहा है। तो ये बोल रहा है कि f3/4 इतना होगा और f'3/4 -3/4 होगा, तो ये ऑप्शन क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, कैसे वेरीफाई कीजिएगा, सपोज मान लीजिए कि कोई एनालिटिक फंक्शन az+b, ab बिलोंग्स टू रियल नंबर है, ठीक है, तो ये तो होलोमॉर्फिक है। तो ऐसा इसका अप्लाई करके हम लोग fz का वैल्यू ऐसा मिलेगा कि नहीं फाइंड कर सकते हैं। ये अगर fz ये है तो ये f3/4 को सेटिस्फाई करेगा, तो ए 3/4 प्लस बी f'3/4, f'3/4 का वैल्यू कितना आएगा, f' करेंगे तो इसमें क्या आएगा, z आएगा, सॉरी a आएगा, और f'3/4 क्या दिया हुआ है, -3/4 दिया हुआ है। तो यहां से देख सकते हैं कि a का वैल्यू कितना आया, f3/4 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, f3/4 का भी वैल्यू -3/4 दिया हुआ है। तो यहां से ए का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, -3/4 इंटू -3/4 प्लस बी इजिकल टू 3/4, तो यहाँ से हम लोग बी का वैल्यू निकाल सकते हैं, 3/4 प्लस 9/16, यहाँ से 15/16 आएगा, ठीक है। यहाँ से f3/4 का वैल्यू -3/4 है, तो यहाँ हो जाएगा -3/4, जिससे क्या आएगा, ये 4 12 और 9 3/16 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से b का वैल्यू 3/16 आया, तो fz का वैल्यू क्या आ गया, fz का वैल्यू
-3/4 z +3/16। अब देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि ये जेड यूनिट डिस्क में मॉड ऑफ एफ जेड लेस इक्वल वन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। चेक कर सकते हैं, यहाँ पे वन पुट करेंगे, मॉडुलस लगा देंगे, मॉड ऑफ एफ जेड निकालेंगे, तो ये क्या आएगा, -3/4, ये +3/4 हो जाएगा, ठीक है, +3/16। तो यहाँ से क्या आएगा, 15/16 आ रहा है। 15/16 क्या है, लेस इक्वल वन है, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसा एक फंक्शन एग्जिस्ट कर जाएगा, जिससे क्या बोल सकते हैं हम लोग कि थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड ऑप्शन पे। सेकेंड ऑप्शन पे देखिए, f'(2/3) निकालना है। अगर f3/4 का वैल्यू दिया हुआ है, f2/3 का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान में रखना है। f2/3 का वैल्यू दिया हुआ रहता है तो स्क्वायर पिच थ्योरम अप्लाई कर सकते थे, कि जो कि होता है f'(z) लेस इक्वल वन माइनस f(z), जो यहाँ पे जेड लेना है वही f(z) का वैल्यू गिवेन होगा, तभी तो अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ से अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला से हम यूज करेंगे बट फायदा नहीं होगा, निकाल नहीं पाएंगे वैल्यू, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे नहीं होगा, तो हम क्या कर सकते हैं कि एक होलोमॉर्फिक फंक्शन f(z)=az+b लेते हैं, गेस करते हैं इस टाइप का एग्जिस्ट करेगा। और इसका ये तो होलोमॉर्फिक है, एनालिटिक है, कॉम्प्लेक्स एनालिटिक है, जहाँ पे ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो ये एनालिटिक है। तो इसका ये दोनों का यूज करके ए और बी को हम लोग यूज निकाल लेते हैं और देखते हैं कि ये गिवेन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। गिवन कंडीशन मतलब एनालिटिक होना चाहिए जेड लेस देन वन में, और ये डी से डी में है मैपिंग, तो इसका रेंज जो भी आना चाहिए वो भी क्या आना चाहिए, लेस इक्वल वन आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, f'(2/3) निकालेंगे तो क्या होगा, जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो ए बचेगा, और f'(2/3) का वैल्यू क्या है, 3/4 है, ठीक है। और f 3/4 का वैल्यू क्या होगा, 3/4 ए का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, इंटू 3/4 +b इज इक्वल टू f 3/4 का वैल्यू 3/4 है। यहाँ से b का वैल्यू क्या आ गया, 3/4 -9/16, तो यहाँ से क्या होगा, 12 -9 3/16 आएगा, b का वैल्यू आ गया। तो f(z) का वैल्यू क्या आ गया, 3/4 z +3/16 आ गया। देखिए, तो ऐसा फंक्शन एक एग्जिस्ट ये कर जा रहा है, हम इसका हेल्प लेके एफजेड ऐसा निकाल लिए जो कि होलोमॉर्फिक है डी में, ठीक है, पहला नंबर, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। आप 3/4 पुट कीजिएगा तो जेड इज इक्वल टू 3/4 पुट कीजिएगा तो कितना आएगा, 3/4 आ जाएगा। f'(2/3) निकालिएगा तो 3/4 आ जाएगा। तो ये फंक्शन ऐसा मिल जा रहा है। और एक चीज और आपको चेक करना है, कौन क्या चेक करना है, ये चेक करना है, क्योंकि जो फंक्शन है डी टू डी में है, यानी रेंज जो आना है चाहिए यूनिट डिस्क में आना चाहिए, को डोमेन क्योंकि इसमें लाइक कर रहा है, तो आप निकाल लीजिए इसका हेल्प से ये सर्टिफाई कर रहा है कि नहीं। मॉडुलस का वैल्यू क्या आएगा, 3/z mod z +3/16। तो यहां से ये क्या है, लेस देन वन है, तो ये लेस इक्वल क्या आएगा, 9 15/16 आएगा। अब देखिए, 15/16 क्या है, लेस इक्वल वन है, तो इसको सेटिस्फाई कर ही रहा है, सारा कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक ऐसा फंक्शन हमें मिल गया जो कि होलोमॉर्फिक है, स्क्वायर पीक थ्योरम बिना लगाए ये मिल रहा है, क्योंकि इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ था। 2/3 का वैल्यू दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम निकाल सकते थे जैसे 3 में किए थे, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अब आते हैं थर्ड ऑप्शन पे, ठीक है। थर्ड ऑप्शन को देखिए, देयर एग्जिस्ट होलोमॉर्फिक फंक्शन एफ डी टू डी विद f(1/2) का वैल्यू दिया हुआ है, f'(1/4) का वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ भी f'(1/4) पे वैल्यू पुट रहा है, पूछ रहा है, तो हम स्क्वायर पीक थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। f'(z) के लिए हमें f(z) का वैल्यू भी मालूम होना चाहिए, तभी हम इसका वैल्यू निकाल पाएंगे। बट f'(1/4) का वैल्यू तो दिया हुआ नहीं है, अलग अलग पे वैल्यू दिया हुआ है, f'(1/2) दिया हुआ है और 1/4 पे डेरिवेटिव का वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि f(z) az(z) लेते हैं कोई फंक्शन, ठीक है। f(z) अगर az(z) लेते हैं तो यहाँ से क्या होगा कि ये और ए का वैल्यू हम लोग मॉडुलस वन लेते हैं, ठीक है, कुछ भी -i+1 -1 कुछ भी ए होगा। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, f0=0 हो रहा है, यानी एक ऑर्डर का जीरो को ये सेटिस्फाई कर रहा है ये फंक्शन। अगर हम लेते हैं तो, अगर ये फंक्शन हम लेते हैं तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि यहाँ पे देखिएगा, हम स्क्वाज लीमा अप्लाई कर रहे हैं, स्क्वाज
लीमा। स्क्वायर्स लीमा में क्या होता है कि एफ जीरो इजकल टू जीरो होना चाहिए और एफ डैश जेड मॉडुलस लेस इक्वल वन होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये ऐसा फंक्शन हम इस ओपन यूनिट डिस्क में लिए हैं जो कि एक ऑर्डर का जीरो है और मॉड ऑफ एफ जेड इसका अगर मॉडुलस सी एन है और जेड यूनिट डिस्क में है तो इसका मॉड ऑफ एफ जेड भी लेस इक्वल वन आएगा। तो आप देखिए इसके लिए स्क्वायर लीमा इस फंक्शन के लिए सेटिस्फाई करना चाहिए। तो क्या होना चाहिए कि एफ जीरो का वैल्यू मॉडुलस लेस इक्वल वन आना चाहिए स्क्वायर लीमा से, एफ डैश जीरो का वैल्यू स्क्वायर लीमा से एफ डैश जीरो का वैल्यू इतना आना चाहिए। और तो ये फंक्शन अगर लेते हैं तो इसके हिसाब से हम ए और का वैल्यू निकाल सकते हैं और ये चेक कर सकते हैं कि एफ डैश इस फंक्शन के लिए ट्रू हुआ कि नहीं। जैसे एफ 1/2 का वैल्यू -1/2 दिया हुआ है, एफ 1/2 का वैल्यू माइनस ए 1/2 का वैल्यू -1/2 दिया हुआ है तो यहाँ से ए का वैल्यू -1 आएगा। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि एफ जेड का वैल्यू माइनस जेड आया तो एफ डैश जेड का वैल्यू क्या आएगा -1 आएगा। अब देखिए इस फंक्शन के लिए जो होलोमॉर्फिक एग्जिस्ट कर रहा था स्क्वायर लीमा को सेटिस्फाई कर रहा था, यहाँ से एफ डैश जेड का वैल्यू कितना आ रहा है -1 आ रहा है बट एफ डैश 1/4 का वैल्यू 1 दिया हुआ है तो ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं या फिर आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। आप सोचेंगे कि हम इसको भी ऐसे लेंगे, एफ जेड का वैल्यू ए जेड प्लस बी ले के इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से एफ डैश जेड का वैल्यू क्या आएगा ए का वैल्यू कितना आएगा कितना है 1 है तो ए का वैल्यू 1 आएगा। तो यहाँ से एफ और एक वैल्यू ये क्या दिया हुआ है इसको निकालते हैं, ये एफ जेड का वैल्यू ये आता है कि क्या आता है। तो इस टाइप का फंक्शन लेते हैं तो एफ जेड का वैल्यू में क्या प्रॉब्लम होता है, एफ 1/2 लेते हैं, एफ 1/2 लेंगे तो क्या आएगा 1/2 प्लस बी, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है -1/2 दिया हुआ है तो यहाँ से बी का वैल्यू क्या आएगा -1/2 -1/2 यानी -1 आएगा। तो यहाँ से एफ जेड की वैल्यू क्या आ गई जेड -1 हुआ, जेड -1 हो तो देखिए मॉड ऑफ एफ जेड का वैल्यू इस फंक्शन के लिए निकालेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा जो कि ग्रेटर देन 1 है। तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा इसको लेने से, ये यहाँ पे ये प्रॉब्लम होगा, इसलिए ऑप्शन क्या होगा रॉन्ग होगा क्योंकि ये कोडोमेन में लाइक करना चाहिए तो इसका वैल्यू लेस इक्वल 1 होना चाहिए तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। ठीक है, तो ऐसे दो अल्टरनेट में से भी फोर्थ ऑप्शन को हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे स्क्वायर पीक थ्योरम अप्लाई करना है, स्क्वायर लीमा अप्लाई करना है, ये चीज़ आपको आना चाहिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे, सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, स्क्वायर लीमा और स्क्वायर पीक थ्योरम पे पूछा गया है तो उस क्वेश्चन को देखिए और अच्छे से आपको क्लियर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए जून 2011 का क्वेश्चन है और एक दिसंबर 2012 का पूछा गया है, दिसंबर 2012 में भी सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, वो आपको खुद से ट्राई करना है और खुद से आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ये क्वेश्चन को आप देखिए और क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिएगा, सेम सिमिलर स्क्वायर पीक थ्योरम पर डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन क्या हो रहा है यूज हो रहा है वहाँ पे, तो उससे आप कर सकते हैं। तो उस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिएगा, सीएसआर नेट दिसंबर 2012 में पूछा है या जून 2012 में पूछा गया है वो देखिएगा। ये हम लोग देखते हैं यहाँ पे 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन है। एफ डी टू डी बी ए होलोमॉर्फी फंक्शन जहाँ पे एफ जीरो पे 1/2 दिया हुआ है, एफ जीरो पे जीरो नहीं दिया हुआ है तो ये स्क्वायर लीमा आप अप्लाई ही नहीं होगा। स्क्वायर लीमा के लिए जीरो पे जेड इजकल टू जीरो पे फंक्शन का ऑर्डर गिवेन होना चाहिए, जेड इजकल टू जीरो पे जीरोज का ऑर्डर गिवेन होना चाहिए, जेड इजकल टू जीरो पे फंक्शन जीरो होना चाहिए तब अप्लाई करते हैं। तो यहाँ तो ये अप्लाई नहीं होगा बट डी पे होलोमॉर्फिक है, डी पे एनालिटिक है तो हम लोग स्क्वायर पीक थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। एफ 1/2 पे जीरो दिया हुआ है और डी ए ओपन यूनिट डिस्क है, ओपन यूनिट डिस्क में एनालिटिक है तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, एफ डैश जीरो का वैल्यू बोल रहा है लेस इक्वल 3/4 होगा, एफ डैश 1/2 का वैल्यू बोल रहा है लेस इक्वल 4/3 होगा, एफ डैश जीरो का वैल्यू बोल रहा है लेस इक्वल 3/4, एफ डैश 1/2 का वैल्यू लेस इक्वल 4/3, एफ डैश जेड का वैल्यू एफ जेड का वैल्यू जेड बोल रहा है। तो देखिए आप एनालिटिक है तो डायरेक्ट जेड मॉड जेड लेस देन वन में एनालिटिक है तो डायरेक्ट हम लोग स्क्वायर
पीक थ्योरम से एफ डैश जेड जितना भी पूछ रहा है जिस पे भी 1/2 पे 0 पे वैल्यू निकाल के हम लोग चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। मॉड ऑफ एफ जेड स्क्वायर पीक थ्योरम से क्या होता है, 1 माइनस मॉड ऑफ एफ जेड होल स्क्वायर। अभी मैंने बताया यहाँ पे लिखा हुआ भी है मॉड ऑफ एफ जेड 1 माइनस मॉड जेड होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होगा लेस इक्वल अगर हम निकालते हैं एफ डैश जीरो निकालते हैं। ठीक है, एफ डैश जीरो निकालते हैं 1 माइनस एफ जीरो स्क्वायर, तो एफ जीरो का वैल्यू कितना है 1/2 है, तो 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/0, तो ये क्या आएगा 1 माइनस 1/4 इजकल टू 3/4। तो देखिए लेस इक्वल 3/4 आ रहा है, एडजेक्ट आ रहा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब एफ डैश 1/2 का वैल्यू निकालते हैं, तो ये क्या आएगा 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, सॉरी एफ जीरो पे, एफ जीरो पे एफ एफ 1/2 पे इसका वैल्यू लेना है, एफ 1/2 पे वैल्यू तो जीरो है ना, सॉरी 1 माइनस एफ जेड स्क्वायर, तो 1/2 पे इसका वैल्यू जीरो है, तो यहाँ जीरो होगा 1 माइनस मॉड जेड स्क्वायर, वन जेड का वैल्यू कितना लिया है 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या आएगा 1/4, तो 3/4 इजिकल टू 4/3, तो 4/3 से लेस आएगा एफ डैश 1/2 यहाँ से क्या आ गया लेस इक्वल 4/3 आ गया। देखिए ये ऑप्शन भी सर्टिफाई हो रहा है, तो ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा एफ डैश जीरो एफ डैश 1/2। ठीक है, अब बोल रहा है कि एफ जेड जो होगा जेड के वैल्यू के बराबर है, अगर एफ जेड जेड होगा तो एफ डैश एफ जीरो का वैल्यू जीरो आएगा, बट एफ जीरो इज इक्वल टू 1/2 दिया हुआ, तो ये ऑप्शन ऐसे ही डिस्कार्ड हो जाएगा इजिली। ऐसा ही सेम क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए खुद से, दिसंबर 2012 में पूछा गया है स्क्वाड पीक थ्योरम, ऐसे ही क्वेश्चन अप्लाई हो जिससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स।